पहले तो अब मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं एसपी सिंह और मैं सलाहकार हूं स्पीक मैक का, यूपी का। आज की मीटिंग का मूल उद्देश्य जो है, पहले तो हमारे जो इंटरनेशनल ये सब कार्यक्रम जो शेड्यूल चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्म करना आपको था, और सब और एक बात है कि हमारी परिवार में एक सदस्य और जुड़े, वो हैं प्रदीप मिश्रा जी जो DLW के एक्स PRO थे। तो वो मीडिया का प्रभार पूरा स्पीक मैके के यूपी का मिश्रा जी को दिया गया। तो इस उपलक्ष्य में ये सूचना आप लोगों को देना ज़रूरी था कि जिससे स्कूल कॉलेज बच्चे भी जान जाएं कि हमारे मीडिया प्रभारी स्पीक मैके के मिश्रा जी हैं और उनसे कॉन्टेक्ट करें, मिले जुले बात करें। सर, स्पीक मैके का उद्देश्य क्या है? जैसा आप उसका नाम से वाकिफ हैं, सोसाइटी फॉर प्रमोशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंग्स यूथ। ये संस्था बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है। इसमें ये संस्था कभी पब्लिक कार्यक्रम नहीं करती है। ये संस्था में संगीत पर भी काम होता है, जैसे मैंने बताया क्लासिकल म्यूजिक, और कल्चर हमारे जितने हैं उस तरह, चाहे पेंटिंग हो, चाहे आपको आप फोक हो, इन सारी लोग विधा हैं, अपने घर के रीत रिवाज हैं, इन सारी बातों की बच्चों में जानकारी पहुँचाना यही उद्देश्य है स्पीक मैके का, और इसमें हम सफल हो रहे हैं। स्लो हैं लेकिन सफल हो रहे हैं। हाँ, हमारा सबसे नज़दीक अभी तो होने जा रहा है वृंदावन में, श्री चैतन्य प्रेम संस्थान जो आश्रम है श्री श्री वत्स गोस्वामी जी का, उसमें बच्चों को हमारे पूरे यूपी के बच्चे जुटेंगे और प्रांतीय अधिवेशन वहाँ होने जा रहा है। सिर्फ उन बच्चों को ये फील देने के लिए कि हमारे आश्रम में ये सब में किस तरह रहा जाता है, किस तरह रह रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है बताइए। और फिर कुछ कार्यक्रम रूटीन में विरासत के अंतर्गत जैसे होते हैं, उसे बनारस में भी होंगे, पूरी यूपी में हो रहे हैं।